नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आप सभी को, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को गंगा सप्तमी की ढेरों 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 शुभकामनाएं। 8 मई को मनाई जा रही है इस बार गंगा सप्तमी। वैसे तो शुरुआत हो रही है इसकी शनिवार के दिन दोपहर 2:56 से शुरू हो जाएगा ये पर्व, और ये रविवार के दिन शाम 5 तक रहने वाला है। जो पूजा का समय है दोस्तों, ये है रविवार के दिन सुबह 10:57 से लेकर के दोपहर 2:38 तक का जो समय है पूजा का, ये मुहूर्त बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र है। आज के दिन घर में गंगा जल जरूर लेकर के आए। आज के दिन दोस्तों, परिवार के तमाम मेंबर्स अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। आज जो लोग गंगा नदी पर जा सकते हैं, वे लोग वहां जाकर स्नान जरूर करें और गंगा जी की यथाशक्ति पूजा करें। आज के दिन बहते गंगा में दोस्तों कुछ राशि जरूर आप अर्पित कर दें। जो भी आपकी शक्ति हो, आप 11 रुपए 21 रुपए बहते हुए जल में जरूर अर्पित करें। यदि तांबे का सिक्का आज के दिन दोस्तों बहते हुए पानी में आप अर्पित करते हैं, जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है, और जिन परिवारों में रोग ज्यादा रहते हैं, जिनके शरीर में तकलीफ ज्यादा है, आज के दिन अपने ऊपर से 7 एक तांबे का पुराना सिक्का ले लें, उसको अपने ऊपर से 7 उबार करके गंगा नदी में उसका विसर्जन कर दें। तमाम प्रकार के रोग दोष दूर हो जाएंगे। बहती हुई गंगा माता में आज गुलाब के, गेंदे के पुष्प जरूर अर्पित करें, कच्चा दूध अर्पित करें, घी का दिया अर्पित करें, अगरबत्ती लगाएं। आज के दिन जो समय मैंने बताया है, उस समय में गंगा जी की पूजा जरूर करें। जो लोग गंगा जी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे लोग आज के दिन दोस्तों अपने ही घर में पीतल की कटोरी में गंगा जल ले लें और अपने घर में ही बैठ जाएं, पूर्व की ओर मुंह करके या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, और उस जल में दोस्तों आज के दिन कुमकुम, अक्षत, हल्दी, तमाम चीजें पूजा पाठ की जरूर अर्पित करें। घी का एक दीपक लगाएं, मतलब आज के दिन आपको गंगा जी की पूजा अपने घर में ही कर लेनी है। और ये जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र मंत्र है गंगा जी का। इसको दोस्तों आपको 21 आज के दिन बोल देना है। मंत्र है, ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा। इस मंत्र को आप जिस समय कटोरी में गंगा जल रख करके पूजा करते हैं, उस समय इस मंत्र को आप 21 बोलते हैं। इस उपाय को करने से भी गंगा जी की पूजा करने का जो पुण्य फल है, वो आपको घर बैठे ही प्राप्त होगा। आज के दिन स्नान के पानी में भी गंगा जल जरूर मिलाए। दोस्तों, जब आप ये पूजा कर देते हैं, पूजा करने के बाद जब आपका दिया शांत होता है, राम हो जाता है, उसके बाद में जिस पूजा जल की आपने पूजा की है, उस जल को घर के तमाम मेंबर्स उसको ग्रहण करें और पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर दें। स्पेशली घर की चौखट पर और धन स्थान में आप जरूर गंगा जल का छिड़काव, जन्मों जन्म के पाप दूर होंगे, जन्मों जन्म की गरीबी दूर होगी, जीवन बिल्कुल सुंदर और पावन बन जाएगा। करके देखिए इस उपाय को। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। उपायों को करते रहें और खुश रहें।